बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। ये चैनल समर्पित है हेल्थ, वास्तु, लीगल और ज्योतिष समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए और शोध किए गए इको फ्रेंडली रेमेडीज वाले। आज का जो टॉपिक है वो है कि हो जाए सावधान अगर आप करते हैं मंत्र जाप। यह एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अक्सर आपने देखा होगा मंदिर में, गुरुद्वारे में या कई बार चर्च में भी और मस्जिद में भी देखने को मिलता है कि कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आप देखें कि कहीं पर कोई साइड में एक माला लेकर के जाप कर रहे हैं। और शिवालय में अगर जाते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे कि आवाज आ जाती है कानों में कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, या कहीं पर राधे 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 राधे, इस तरह से चैंटिंग की आपको आवाज सुनाई देगी। कहीं पर वैसे ओम चम चंद्राय नमः या और किसी जाप की आपको सुनने को मिलेगी, या फिर आपको कहीं देखने में मिलेगा कि कहीं एक किसी भी धर्म स्थान में कोने में कोई भी बैठे हुए हैं और वो जो है मंत्र जाप कर रहे हैं। आप कई बार मार्केट में भी देखते होंगे हमारे दुकानदार बुजुर्ग जो हैं, स्पेशली चाहे वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, ज्यादातर बुजुर्ग जो हैं आप देखें तो दुकान पे बैठे बैठे भी एक छोटी सी माला उनके हाथ में होती है, बहुत छोटी सी, जिसके कि रफली जो है 20 या 27 मन के होते हैं और वो बैठे बैठे अपना जपते रहते हैं। तो जब तक कस्टमर आता है और आप वहां खड़े होकर के बोले कि मुझे ये चीज चाहिए, तब तक वो अपनी वो माला को समाप्त कर लेते हैं और फिर उसको रख देते हैं और फिर आपको थिएटर करते हैं। तो इस तरह से वो छोटी माला जो रहती है उसमें वैसे बैठे बैठे जैसे कि वो राम 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 राधे राधे कर रहे हैं, सतनाम सतनाम कर रहे हैं, तो इस तरह से लोग जाप करते हैं। तो ये तो एक छोटी माला थी उनकी, तो उस पे वो यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर आप कोई संकल्प लेकर के करते हैं या वैसे जाप करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और जब हम जाप की बात करते हैं तो जाप जो है तीन प्रकार के होते हैं। और यह भी ऐसा हुआ कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी की जब मैं अध्ययन कर रही थी बहुत साल पहले, तो जब मैं जो फंडामेंटल्स हैं, जो पिलर्स हैं इसके एस्ट्रोलॉजी के, तो मैं लग्न के ऊपर जब अध्ययन कर रही थी तो 12 लग्न हैं, तो 12 श्लोकाज हैं संस्कृत के, बड़े ही सुंदर श्लोक हैं और हर श्लोक जो है वो अपने आप में हर ग्रह लग्न के बारे में बता देता है कि उसमें क्या क्या पॉजिटिविटी है, क्या क्या नेगेटिविटी है। तो इस तरह से जब मैंने अध्ययन किया तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो फिर मैंने कुछ बुक्स खरीदी कि जिनमें बहुत सारी पत्रियों के बारे में बताया गया था, जो पुराने हमारे वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं। तो वहां से मैंने उनके लगन के हिसाब से अध्ययन करना शुरू किया कि क्या ये बात सही है। हालांकि उस जो ऑथर्स हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से और बहुत कुछ उन्होंने बताया था, लेकिन मैंने बेसिकली क्योंकि मैं लगन पे अध्ययन करना चाहती थी तो मैंने लगन अध्ययन उन पत्रियों का किया। तो उसमें से जब एक बुक बाई चांस ऐसा हुआ कि एक बुक ऐसी थी कि जिसमें कहा गया कि अगर लग्न के हिसाब से अगर परेशानी आ रही है तो आप लग्नेश के मंत्र जाप कर सकते हैं, और उस मंत्र जाप में उन्होंने कुछ 2-3 नियम बताए। तो वहीं से मुझे मंत्र जाप के ऊपर भी रिसर्च करने का मेरे मन में आशा जगी कि मुझे इस पर भी अध्ययन करना चाहिए। तो मैंने उस पर अध्ययन शुरू किया और मैंने पाया कि करीब 180 के करीब नियम पाए जाते हैं जो कि मंत्र जाप के अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप हैं। तो उसका किस तरह से क्या होता है तो आगे देखते हैं। तो बेसिकली जो है वो तीन तरह के मंत्र जाप होता है। एक जिसे कि हम कहते हैं वाचिक, जो कि बोल के किया जाता है, वर्बली रहता है। दूसरा रहता है मानसिक, जो कि मुंह बंद करके और मन में आराम से मन में ही ध्यान लगा करके, दोनों आंखों के बीच में केंद्र में ध्यान लगा करके और फिर उसको मंत्र जाप किया जाता है। और तीसरा रहता है जो कि अजपा जिसे कहते हैं, कि जिसमें जो है आपके अंतःकरण में मन में चल रहा है। जैसे कि हमारी बड़ी महिलाएं, अक्सर बड़े बुजुर्ग जो हैं वो घर में अपना काम करते करते कुछ भी कर रहे हैं, घर में पानी भर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक वो अंतःकरण में अपने जाप कर रहे हैं, चाहे मन में राम 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 कर रहे, राधे 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 कर रहे, अपने मन में ही वो कर रहे हैं, जिसमें कि अपने सहज स्वभाव में वो घर के सारे ही काम करते हुए वह जाप कर रहे हैं। तो इस वजह से तीन प्रकार के तो मुख्य रूप से जाप होते हैं। अब जो मानसिक रहते हैं उसमें 2 प्रकार से होते हैं। उसमें एक तो रहता है कि हस्त मुद्रा को
जैसे कि पृथ्वी मुद्रा है या और किसी भी मुद्रा में है या एक आराम आसन में आप बैठे हुए हैं उस मुद्रा में है, तो हस्त की अलग अलग मुद्राओं को रखते हुए मंत्र का जाप किया जाता है। और दूसरा होता है पाद मुद्रा, जिसमें कि पैरों के अलग अलग आसन करके और उसमें जो है जाप किया जाता है, तो उसका एक अलग ही सुंदर लाभ होता है। एक नॉर्मल जैसे ही है कि एकदम सीधे खड़े होकर भी कई लोग जाप करते हैं, फिर उसके ऊपर हठयोग टाइप आ जाता है, उसमें एक पैर पर खड़े होकर के जो है मंत्र जाप किया जाता है, तो उसमें क्या हुआ कि ये पाद मुद्राएं भी जो आपके पैरों की मुद्राएं हैं वह भी उसमें इफेक्ट करती हैं और जुड़ जाती हैं। उसका जो है अगर हम देखें तो साइंटिफिकली देखें तो उसको हम एज ए एक्यूप्रेशर ले सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे हस्त मुद्रा और पाद मुद्रा होने पर हमारी बॉडी के अलग अलग जगहों पे नर्व्स पे प्लेक्सस में जो है प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके रखते हुए जब हम करते हैं तो मंत्रों को अभिमंत्रित करते हैं, जागृत करते हैं, तो उसका एक अलग आपके शरीर पर और मानसिक तौर पर उसका लाभ होता है। जो वाचिक रहता है उसमें क्या होता है कि कई बार बोल करके भी किया जाता है कि हमने इतने करने हैं, तो उसमें लोग वाचिक में माला से भी करते हैं कई बार। अब बात आ जाती है माला की, तो माला में भी क्या है कि एक तो किसी भी प्रकार की माला है, और मालाओं में भी बहुत प्रकार की मालाएं हैं, जैसे कि रुद्राक्ष की माला है, तो ज्यादातर जितनी भी पुष्टि के लिए जितने भी शुभता के लाभ के लिए जो की जाती है वो रुद्राक्ष की माला से की जाती है। फिर रुद्राक्ष में भी आगे है कि एक मुखी है, दो मुखी है, पांच मुखी है, ग्यारह मुखी है, फिर उसमें आता है कि कितने दाने की है, 27 दाने हैं, 51 दाने हैं, 108 दाने हैं, तो हरेक का अलग अलग प्रभाव होता है। कुछ आपने देखा होगा कि पारद की, जैसे कि पारे की बने हुए मोती रहते हैं, उसकी एक माला रहती है, स्फटिक की माला रहती है, और अलग अलग रंग की अलग अलग तरह की मालाएं होती हैं, पत्थर की बनी हुई मालाएं होती हैं, मोती जो रहते हैं चमकीले, बड़े ब्राइट मोती रहते हैं चमकते हुए, तो इसी हकीक की माला रहती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की धातुओं की बनी हुई मालाएं भी होती हैं, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों के जाप के लिए प्रयोग की जाती हैं, और उसी हिसाब से अलग अलग जो है उनके नंबर भी होते हैं। तो जब माला जब की बात आती है तो उसमें हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैं करके बताऊंगी। जैसे कि ये माला है तो आप देख सकते हैं, तो जब हम इस माला को करते हैं तो एक तो ये है कि हम अंगूठा, इसीलिए मैंने ये ग्लव पहना ताकि आपको ठीक से पता लग पाए, तो एक और दो रंग की माला इसीलिए लिए ताकि आप इसको समझ पाए। जैसे कि अभी हम दो इसको सेंटर में करना चाहिए, एक तो कभी भी माला जो है वो नाखून में नहीं आना चाहिए, नाखून से उसकी काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, नाखून से वो माला आपकी जो है टच नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इस प्रकार से। दूसरा, ये जो उंगलियों की गांठें रहती हैं जहां पे पोर रहते हैं, जो लाइनें आ जाती हैं, वहां पर आपकी माला केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपके लास्ट में इस तरह से माला आपके हाथ को टच करते हुए नहीं होनी चाहिए। चौथा, ये जो माला का जो रहता है, या तो अगर ये बहुत बड़ा है तो आप इसे काट दें, छोटा के लिए आप ये आपके हाथ को जैसे कि इस तरह से टच करना नहीं चाहिए, कि टच करते समय आपके हाथ में यहाँ पर हथेली में इसको टच नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से माला भी जो है वो आपके इस पार्ट को ऐसे हाथ में यहाँ पर टच नहीं करनी चाहिए, हथेली वाले पार्ट में माला नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो विशेष मंत्र जाप में इस स्थिति में हानि ही होगी, फायदा नहीं होगा। विशेषकर जब हम लक्ष्मी के जाप करते हैं या किसी और प्रकार के धन से रिलेटेड जाप करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि माला जो है वो आपकी हथेली से किसी प्रकार टच ना करे। दूसरी बात, जो सेंटर वाला रहता है पोर, जो सेकंड फिंगर है, आपकी रिंग फिंगर है, उसके सेंटर वाले पार्ट से आप इसको टच करके और उसको शुरू करेंगे माला को, और फिर माला संपूर्ण होने के बाद में जब आप हो जाए तो आप उसको पलट देंगे, और पलट करके फिर वहीं से आप उसके दूसरी तरफ से जहां पे आपकी माला समाप्त हुई है वहां से फिर आप दोबारा से माला करना शुरू करेंगे। इस प्रकार का आपको ये ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं करमाला की। कई लोग क्या है कि वे ध्यान लगा करके और करमाला से करते हैं, तो करमाला एक नॉर्मल रहती है कि लोग जैसे 1 2 3 4 5 6 लिटिल फिंगर से शुरू करके और 10 तक आते हैं, और 10 और दूसरे हाथ में जो है एक नंबर जो है गिन लेते हैं,
तो जैसे एक दो तीन आपने छोटी उंगली से शुरू किया और उसमें जो है आपने कर लिया। देखिए करमाला को जो सही रूप है वह ये है कि रिंग फिंगर का जो आपका सेंट्रल वाला पोर है आप वहां से शुरू करेंगे, नंबर वन यहाँ पे रहेगा, नंबर टू उसके सेकंड नीचे वाले पोर में रहेगा, उसके बाद आप लिटिल फिंगर के सबसे नीचे वाले पोर में तीसरे वाले में चले जाएंगे, फिर ऊपर लाएंगे, फिर पांच नंबर आ जाएगा, फिर वापस जो रिंग फिंगर है उसका फर्स्ट पोर में आपका हाथ आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके छह जाप हो जाएंगे और फिर सात हो जाएगा और उसके बाद में फिर फर्स्ट फिंगर में आठ नौ और दस कर लेंगे आप। इस प्रकार से यह जाप किए जाते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको इस तरह में करमाला में, तो इससे आपको बहुत ही सुंदर और लाभ मिलेगा और आपका जो भी मंत्र जाप है वो बहुत जल्दी जो है वो जागृत हो जाएगा। जैसे कि शनि की अगर जाप करते हैं तो उस केस में आप कैसे करेंगे, इसी प्रकार से सेकंड पोर में शुरू करके एक दो तीन चार पांच छह और फिर ये फिंगर जो है सबसे बड़ी फिंगर आपकी आ जाएगी उसमें सात आठ नौ और लास्ट में इसके फर्स्ट फिंगर के नीचे वाले पोर पे आप समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से यह 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो आप दूसरे हाथ की उंगली में काउंट करते रहिए, 10 एक बार हो गया, फिर 20 दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, इस तरह से 10-10 आप करके करते जाएंगे और लास्ट में आप केवल 8 करेंगे और इस तरह से 108 की माला आपकी संपूर्ण हो जाएगी। तो देखा आपने कि हमारी उंगलियों का भी कितना महत्वपूर्ण इसमें है। तो अगर इस तरह से जो है आप करते हैं और माला में विशेषकर साधारणतया आप माला जो है कोशिश करके रुद्राक्ष की ले लें तो वो अच्छा रहेगा, बहुत शुभता रहती है। और एक माला को उसको ही आप रखें। और कई बार क्या होता है कि आप जैसे माला करके कई लोग अपने गले में धारण कर लेते हैं और फिर अगले दिन अगर उनको जाप करना है तो वो फिर उसी माला से जाप करते हैं। आप ऐसा न करें। अगर आपने जैसे संकल्प लिया है कि आपको 21 माला करनी है या 51 माला करनी है तो आप लगातार 21 दिन तक कर लीजिए, 51 दिन तक कर लीजिए, या 11 दिन में आपने 51 माला करनी है। अगर आप किसी भी तरह के या 3 दिन में करनी है तो इस तरह से आप संकल्प लेकर के उस माला को पहले आप कर लें, उसके बाद में आपको अगर धारण करना है तो आप उस माला को धारण कर ले शुभता के लिए। लेकिन ऐसा ना करें कि आपने आज का मंत्र जाप किया और फिर उस माला को पहन लिया और उसके बाद में फिर शाम को आपने फिर उस माला को उतारा और हल्का सा जल छिड़का, गंगा जल छिड़का, और दोबारा से आपने मंत्र का जाप किया और फिर उस माला को धारण कर लिया। इस तरह से ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहती है कि अगर जैसे जो भी माला आप धारण कर रहे हैं तो जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो आप उस माला को उतार करके स्वच्छ जगह में रख लें, या और स्पेशली जब आप कहीं पे कोई जाते हैं कि स्वर्गवास हो गए हैं या ऐसी जगह में जाते हैं तो आप माला को उतार कर घर में ही रख के जाएं। और इसी प्रकार से जो अंगूठी पहनी रहती है अलग अलग स्टोन्स की जो होती हैं उनको मंत्रों द्वारा जागृत किया जाता है अभिमंत्रित करके, तो वह अंगूठी भी जो है आपको रिंग जो है अगर आप किसी के इस ऐसे प्रकार में जाते हैं कि जहाँ पे सूतक है या फिर आतक है या इस तरह की है तो वहां पर आप अपने घर में उनको उतार करके ही रख करके जाएं और जब वहां से आप आ जाएं तो नहाने धोने के बाद में आप होकर के उसके बाद में आप उनको द्वारा धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी, जो कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं कई प्रकार के आपको उपयोग मंत्रों के आधार पर दूंगी। तो इसलिए अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए मंत्र जाप करेंगे तो आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। और क्योंकि कई बार इन चीजों का ध्यान न देने पर, स्पेशली जब कोई अपने ऋण उतारने के लिए कर रहा है या कोई धन लक्ष्मी लक्ष्मी जी के उपार्जन के लिए या जॉब के लिए या किसी भी प्रकार के इस तरह के लिए लाभ के लिए जो है उपाय करना चाह रहे हैं करते हैं, तो उस समय अगर वो माला जो है उनकी हथेली से टच करती है या इस तरह से तो उसका लाभ उन्हें नहीं होगा। और फिर कई बार आपका मन भी दुखी हो जाता है कि हमने तो इतनी माला भी करी तब भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। वो इस तरह से छोटी छोटी जो गलतियां त्रुटियां हमसे रह जाती हैं उस वजह से वह आपका जो जाप किया हुआ है वह सफल नहीं हो पाता है। और उसमें सबसे सुंदर बात यह है कि आप कोई भी ऐसा समय रखें जो कि बहुत आपके मन में शांति, आप कभी भी कर सकते हैं मंत्र जाप में। वैसे तो सबसे सुबह का टाइम जो है सूर्य एकदम जैसे जैसे उदय हुए उससे पहले पहले आप जाप कर लें, या शाम को जब सनसेट होता है उस समय जाप कर लें। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत भाग दौड़ वाली है तो आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं माला, आप चाहे ऑफिस में या जहां पे भी लंच टाइम में अगर आपको समय मिलता है तो उस समय में भी आप माला का जाप कर सकते हैं। ये मूलभूत बात यह है कि आपका मन उस जाप में लगना चाहिए, आप
उसको शांति पूर्वक और पूरा ध्यान लगा करके उस जाप को करें। 100% आपको उस कोई भी मंत्र का जाप आप कर रहे हैं आपको उसका पूरा लाभ होगा ही होगा। और मंत्र जाप करने के बाद अगर जाप ये माला जो है अगर आप किसी कपड़े की में बांध करके रुमाल में बांध करके या किसी कपड़े का कोई कई लोग जो देखा होगा आपने कि वो हाथ में बंधा हुआ रहता है छोटी सी पोटली और उसके अंदर वो माला जाप करते रहते हैं ताकि किसी को दिखे भी नहीं पता भी नहीं चले कि जाप हो रहा है तो आप वह भी कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं भी है तो आप जाप करने के बाद में तुरंत बाद में उसको एक साफ रुमाल में ही बांध करके रख लें चाहे अपनी जेब में रख लें चाहे आप जहां पे जाए रखना चाहे वहां रख सकते हैं। तो इन चीजों का छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो मेरी बिल्कुल 100% आपसे गुजारिश है कि आपको संपूर्ण लाभ होगा। और जिस दिन जैसे आपने अगर संकल्प किया है कि मुझे इतनी माला जाप करनी है तो वह जब संपूर्ण हो जाएगा तो उसके विद इन 72 से 90 डेज के अंदर अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जाप का लाभ करने वाले को मिलता ही मिलता है। अगर ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी उपयोगी लगी तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का पता चल पाए। और आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ताकि आने वाले सभी प्रकार की आपको नोटिफिकेशंस जो है वीडियोस की लेटेस्ट मिल सके ताकि आप उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।